Dear student, here is the theorem. Theorem of subset of multivariate normal. So subset of multivariate normal. This is the statement of the theorem. If x1, x2 up to so on xn have a joint distribution. Yani x1, x2 up to so on x n ki joint distribution they have a joint distribution, unnecessary and sufficient condition. That one subset of a random variable and the subset of random variable be independent is kya hogi? independent case is that each covariance of variable from one set and the variable from the other set may be zero. Now is the theorem ki main statement. Ko explain theorem This is the x1.

अब वो हर सबसेट जो हमारे पास है दूसरे सबसेट से इंडिपेंडेंट है इट मींस कि यहाँ पे आपके पास जो है ना को वेरियंस वो जीरो के इक्वल होगी मीन्स एक्स आई जे जो को वेरियंस टर्म ले रहे हैं एक्स वन एक्स आई एक्स टू एक्स जे जो को वेरियंस है वो आपके पास जीरो के इक्वल होगी सबसेट की को वेरियंस हमारे पास जीरो है तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये सेट और ये सेट जो है इनकी जो को ऑफ वेरिएबल है वो भी जीरो के इक्वल होगी तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ़ थ्योरम कि हमने इसमें फर्दर क्या करना है इफ एक्स आई इज फ्रॉम वन सेट एंड एक्स जे इज फ्रॉम अदर सेट फ्रॉम एनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सिग्मा आई जे इज डिफाइंड एज सिग्मा आईजे आपके पास क्या है कोवेरियंस covariance which is equals to expected value of xi minus mu into other set xj minus mu this is the covariance discrete make covariance ki value hai. jab hum continuous mein aayenge now expectation open ki minus infinity to infinity up to so on minus infinity to infinity xi minus mu into xj minus mu this is the density function probability density function सो सिग्मा सेगमा विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस टू इनिटी हमने फर्दर इसमें क्या किया आयथ टर्म को अलग कर लिया एंड जीएथ टर्म को हमने सेपरेट कर लिया दिस इज फॉर दी आयथ टर्म सबसे ना जैसे अभी प्रीवियस मैंने बताया एक्स आई यानी एक्स वन की हमने वैल्यूज ले लिया है सेकेंड हमारे पास एक्स टू की वैल्यूज आ गई है सो दिस इज दी टर्म एंड दिस इज दी दियम

अगर हमने उसकी को रिलेशन देखनी है अगर को वेरियंस जीरो है तो बेसिकली यू नो दैट कि आपके पास को रिलेशन भी जीरो के इक्वल होगी हैं यू नो दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द को रिलेशन विच इज इक्वल्स टू को वेरियंस ऑफ द को वेरियंस डिड बाय डेविएशन ऑफ आई एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द जी एथ तो कोवेरियंस आपके पास जीरो है फर्स्ट दिस इज द वैल्यू ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा आई सिग्मा जे तो दिस इज द कोरिलेशन ऑफ आई जे आपके पास कोवेरियंस जीरो है तो कोरिलेशन व्हिच विच इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो तो दिस इज दियोरम कि आपके पास कोवेरियंस सबसेट की कोवेरियंस जीरो है तो आपके पास ओवरऑल इंडिविजुअल वेरिएबल की अगर कोवेरियंस जीरो है तो सबसेट की आपके पास कोवेरियंस भी जीरो के इक्वल होगी